हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं अंडा भुजी, जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने लिए हैं 3 अंडे, 4 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक और इतना सा हरा धनिया। अब मैं इन सबको छोटा छोटा पहले काट लूँगी। ये लीजिए, हमने सारा सामान छोटा छोटा ये काट लिया है। इस अंडे भी इसमें तोड़ के इसमें रख लिए हैं। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। अब मैं इसमें ये वाला, ये देखिए, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। वैसे तो अंडा भुजी सबसे सिंपल रेसिपी है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग होगा। एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए तो आपको सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देखिए, अभी तेल थोड़ा सा गर्म हो रहा है। अब मैं ये लगभग 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल दूँगी। मैं तेल में इसे थोड़ा गर्म होने पे ही डाल देती हूँ जीरा, क्योंकि जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जीरा काला हो जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसको थोड़ा सा और गर्म होने दूँगी। ये देखिए, हमारा जो जीरा है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। ये 3 अंडों में मैं 4 प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए मैं अंडा भुजी बना रही हूँ। आप जितने लोग हैं वो उस हिसाब से बढ़ा बढ़ा सकते हैं। कम प्याज डाल, आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा प्याज पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसी के साथ ही मैं ये अदरक डाल दूँगी। मैंने हरी मिर्ची अभी नहीं डाली है, क्योंकि पहले मैं इन दोनों को ही फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये हरी मिर्ची और ये टमाटर डाल दूँगी। अब मैं 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारे जो टमाटर हैं मैंने ऐसे इसमें ऐसे कर करके इसको पूरी तरह अच्छी तरह इस प्याजों में मैश कर लिया। आप देख सकते हो कि मेरी हरी मिर्ची का जो कलर है वो वैसा ही है, इसीलिए मैं इसको बाद में डालती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते हैं तो इसका जो कलर है वो ब्लैक सा हो जाता है। ये देखिए, इसमें जब हम इसको लास्ट में डालते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी और उसमें मसाले डालूँगी। ये देखिए, मैं ये इसमें लगभग 1/4 चम्मच नमक डाला है और 1/2 से भी 1/2 गरम मसाला और 1/2 से भी 1/2 धनिया पाउडर और ये देखिए इतना ही मैंने हल्दी डाली है इसमें। और मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसे पहले मसालों को भूनूंगी, तब इसमें एग, जो अपने एग हैं वो मिलाऊंगी। ये देखिए, हमारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिल चुके हैं, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें ये जो 3 अंडे मैंने तोड़े थे वो डाल रही हूँ। अब गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर लेना है और इसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे चला के रखना है। ये देखिए, ऐसे ही चलाते हुए आपको एग में, मसालों में एग को मिलाना है। ये देखिए, अगर साइड पे लग रहा है तो आपको उसको ऐसे हटा सकते हैं। देखिए, ऐसे ही चलाते रहना है ताकि जो हमारा एग है या मसाला है वो नीचे फ्राई पैन पे ना चिपके। इसी तरह हमको ऐसे इसको हिला के मिलाना है। ये देखिए, हमारी अंडा भुजी बन के रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो। और मेरा ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई को बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, आप देख सकते हो। ये लीजिए, ये देखिए, आपको भी ऐसे ही बनानी है। अब मैं इसको ये लीजिए, कहने को तो अंडा भुजी जो सबसे सिंपल रेसिपी है वो अंडा भुजी की है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से बनाया है जाए तभी ये टेस्टी लगती है। ये हमारी अंडा भुजी बनके रेडी है।
ये देखिए हमारी अंडा भुर्जी रेडी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और अपने बच्चों को और अपने घर में सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पंजाबी किचन को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।